नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। भारतीय खाद्य निगम ने स्कूली छात्रों की कार्यशाला आयोजित कर दिया प्रशिक्षण। भारतीय खाद्य निगम भोपाल के प्रबंधक लोकेश ब्रह्मभट्ट के आदेश अनुसार आज दिनांक 11/7/2023 को भारतीय खाद्य निगम बैतूल में स्कूली बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र एवं पत्रकार बंधुओं के लिए बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें डिपो प्रबंधक बीएल खरबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार की पारदर्शिता प्रक्रिया के अनुसार बच्चों को भारतीय खाद्य निगम से संबंधित सारी कार्यप्रणाली से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर विभिन्न जानकारियां दी गई, जैसे कि खाद्य निगम अनाज का रिजर्वेशन कैसे कराता है, अनाज के स्टॉक को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, अनाज के मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ऐसे विभिन्न विषयों की जानकारी स्कूली छात्रों के समक्ष रखी गई। कार्यशाला समय सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की गई थी, जिसमें श्री विनायकम हायर सेकेंडरी स्कूल के 100 छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक सत्र में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में डॉक्टर दीपाली मरकाम ने FCI में अनाज की गुणवत्ता विषय पर बच्चों को संपूर्ण जानकारी दी एवं डिपो संबंधित जानकारी सुरेंद्र धोटे द्वारा बच्चों को प्रदाय कराई गई। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। सर, आपका नाम बताइए। जीएन खराब है, प्रबंधक डिपो, भारतीय खाद्य निगम बैतूल। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज स्कूलों के बच्चों के छात्रों को हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया था, जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली, वितरण प्रणाली तथा बाजार के मूल्य निर्धारण हेतु एफसीआई की पॉलिसी को बच्चों को समझाया गया। क्या समझाई? मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।